Hi guys, welcome back to our channel and hope you all are doing good. We are also doing good and आपने लास्ट वीडियो को लाइक किया इसीलिए थैंक यू. और आज का जो वीडियो है मैं अब शुरुआत कर रही हूँ. बज गए हैं रात के 8 और मैं कुछ आज स्पेशल प्रिपेयर कर रही हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसकी रेसिपी आज मैं शेयर करूँगी. एक बना रही हूँ पनीर की डिश, आज वेज है, और उसके साथ मैं बना रही हूँ पुलाव, उसके साथ है रोटी. तो मैं आपके साथ ये मेरी क्विक वाली रेसिपी है जो शेयर करूँगी. सो ये है टाइम सेवर हमारा छोटा सा, जिससे हम लोग ये फाइनली चॉप कर सकते हैं गार्लिक जिंजर एंड चिलीज. मेहमान लोगों के लिए हाय तो स्पेशल आज बन रहा है पनीर. एस खा के आपको लगेगा कि ये बाहर से ऑर्डर किया है. खाना था रेडीमेड मसाला. यस, जो अनएक्सपेक्टेड अगर मेहमान लोग आपके घर में आ धमके तो आप ये यूज कर सकते हो. हाँ, वो यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली. और जब भी टाइम भी कम होता है तभी ये यूज करते हैं. मॉडल अच्छी लगी. ऐसे बहुत सारा वैरायटी आपको मिल जाएगा. हाँ, हम लोग सभी घर में यूज करते हैं ये. हाँ, जब कोई भी घर में अचानक आता है तो हम पनीर मंगा लेते हैं और ये मसाला मंगा लेते हैं और यूज कर लेते हैं हम लोग और फटाफट बना लेते हैं. हाँ, पनीर मैं सिर्फ खड़े रहने वाली हूँ. हाँ, और मेरी सिस्टर इन लॉ आज बनाने वाली है. यस यस यस. और ये हमारा यहाँ पे फोटोग्राफर, प्लीज आपका कैमरामैन आज मेकअप में. कैमरामैन लियो जोशवा के साथ, संवाददाता दिव्या जोशवा और डायना सैमसन आपके सामने ला रहे हैं. और पीछे रुदा सैमसन जोशवा है और आपके लिए हम ला रहे हैं अच्छी पकाई हुई डिश. बस यू किया और यू बन गया. बस चुटकी में. होममेड घी. ये जो मसाला होता है ना, ये मसाला मिक्स करना होता है हमको मिल्क में. तो इसमें तो पूरा मिल्क लिखा है लेकिन मैं पूरा मिल्क नहीं लेती हूँ. आप चाहे तो ले सकते हैं, बट ये जो मसाला है ना, इसको मैं हाफ मिल्क हाफ वाटर लेती हूँ और मिक्स करती हूँ. तो आई विल शो यू. मैं इसको कट कर लेती हूँ अभी. यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि काफी लोग ये भी सोचेंगे कि अरे ये तो पैकेट वाला मसाला है. जब भी आपको आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए हैं जिनको आपको डिनर या लंच सर्व करना है, तब वंस इन अ वाइल इट्स ओके. तो यहाँ पे इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो जब भी आप यूज करते हो. सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको आपके यहाँ के क्या स्पेशलिटी है. और लाइक कीजिए वीडियो को और हमको बताइए कि हम कैसा कर रहे हैं, आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं. इससे क्या है ना, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सके. आपको क्या कंटेंट पसंद है ये भी आप हमको बता सकते हैं, हम लोग उस हिसाब से जितना हो सके हम लोग उतना ट्राई करेंगे बनाने. जन यहाँ पे बैठ के गेम खेल रहे हैं. वाह, चेस खेल रहे हो. यो कट्टी विद दादो. इसका प्यूरी बनाया है मैंने. 4 टमेटोज लिए बड़े बड़े. ऑयल में डालेंगे. 20 टमेटो प्यूरी को इसमें डाल दिया है. अभी इसको हम लोग को फ्राई करना है. जब तक इसमें से ऑयल ना बाहर नहीं आता है तब तक हमको इसको ग्रेवी को पका लेना है पूरी तरह से. गाइज ये रेडी हो चुका है हमारा.
ये देखिए इस ये कैसे चेंज हो गया है, इसने ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है, विच मीन्स कलर डार्क हो गया। या तो विच मीन्स ये हमारा जो टमेटो प्यूरी था वो पूरी तरह से अभी पक गया है। नाउ इसमें टाइम है सॉरी ऐड करने का, ये जो हमने मसाला मिक्स करके रखा था अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं इसको। हम बॉईल इसमें जब बॉईल आ जाएगा ना, इसका मतलब है कि ये ग्रेवी हमारा रेडी हो रहा है। और जैसे जैसे ये बनेगा ना वैसे वैसे ये थिक होता जाएगा। ये जो मैंने पनीर फ्राई करके रखा है अभी ये, तो आप इसको जैसे आपको पसंद है आप वैसे कर सकते हो, लेकिन मैं इसको क्यूब्स में कट करूंगी। तभी हम लोग उसमें उसको ऐड करें। सो गाइस ये देखिए कैसे थिक हो गया है अभी ये। तो अभी मैं इसमें अपने पनीर ऐड कर रही हूँ। हम लोग काफ़ी नॉनवेज के डिशेस भी बनाते हैं, उसमें भी आपके पास चॉइस है कि आप ये सुहाना के पैकेट्स जो ग्रेवी वाले होते हैं, बटर चिकन है, चिकन टिक्का मसाला है, ये काफ़ी मिलता है। इवन बिरयानी, सुहाना का जो बिरयानी मसाला है वो भी बहुत ऑसम है। अभी मैं इसको गार्निशिंग करूँगी, तो मैं इसमें थोड़ा चिलीज डाल रही हूँ। हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो इसलिए हम लोग चिलीज ऐड करते हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं। इसको सिर्फ 2-3 मिनट और ये होगा, फिर हम लोग इसको बंद कर देंगे। और इसके साथ कोरिएंडर के साथ मैं हमेशा इसमें डालती हूँ ये कसूरी मेथी, तो इसको लेके थोड़ा पाम पे से रब करना है आपको, ताकि ये ना अपना फ्रेग्रेंस रिलीज करता है रब करने से। और अभी हम लोग इसको स्टीम पे बंद कर देंगे। डिनर के लिए हमने भाकरी बनाई है, नाचनी है, नाचनी हम लोग बोलते हैं इसको, रागी बोलते हैं, रागी की भाकरी है। तो ये बहुत हेल्दी होती है, सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में कमेंट कीजिए, हम लोग इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ, पनीर टिक्का मसाला। और एडविन कैसा था खाना, अच्छा लगा आपको? एंजल खाई वही बड़ी बात है। अच्छा एंजल एंजल ने भी पनीर एंजॉय किया। एंजॉय किया, कैसे लगा आपको खाना? बहुत क्विक रेसिपी, टेस्टी। अच्छा मम्मी कैसा था खाना, अच्छा लगा? पापा कैसा था खाना, अच्छा था? कियान थारा भाई, कियान इतनी अब आइसक्रीम खाने जा रहा है, अब इतनी आइसक्रीम खाएगा, इतनी आइसक्रीम खाएगा कि सर्दी ने सोची ना होगी। डिनर के बाद डिजर्ट के लिए जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। गाइस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये बाय गाइस, बाय बाय।